हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, रेलवे जो एग्जाम होती है ना उसमें आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो आइए जानते हैं कि यह रेलवे जो नोटिफिकेशन बताया है कि एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक ना। तो देख लीजिए, यहाँ पे टोटल पोस्टें कितनी थी, 1600 आइसोलेट की पोस्टें थी, 1665। ठीक, अब आइए जानते हैं इनका एग्जाम कितने दिन में होगा। तो 4 दिनों में पूरी की पूरी एग्जाम होने वाली है, ठीक, जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया है। आइए मैं आपको रेलवे का ऑफिशियल सारा कुछ बताता हूँ, ठीक। तो ये लीजिए, देखिए आपका एडमिट कार्ड 5 तारीख शाम को, मतलब आज शाम को 5 बजे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 तारीख, 5 दिसंबर शाम को 5 बजे से डाउनलोड करना आप शुरू कर देंगे, ठीक। आइए जानते हैं, देखिए एग्जाम का शेड्यूल थोड़ा क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ और आपके सामने क्लियरली पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और ये अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो आइसोलेट की पोस्टें निकली थी, ठीक ना, आइसोलेट की। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम 15 से 18, यानी कि 3 दिनों के बीच सभी के सभी एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए, 3 दिनों का सभी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक। ये NTPC और ग्रुप डी यानी लेवल 1 नहीं है, ये आइसोलेट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 शिफ्ट होगा, एक दिन में केवल 2 ही शिफ्ट होंगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहुँचना होगा यहाँ पे 9 बजे, ठीक, और सेकंड शिफ्ट में 1:30 बजे पहुँचना होगा। देखिए टाइम आपका जो होगा चेकिंग वगैरह 10 बजे होगा फर्स्ट शिफ्ट के लिए, और यहाँ पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 10:30 बजे। तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक, जनरल आदमी को। और जो PH कैंडिडेट यानी कि जो हाथ पैर जिनका कुछ कमजोर है, ठीक, यानी कि लंगड़े हैं, उनको 30 मिनट ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, ठीक। ये हो गया PWD के लिए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में आपका 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचना है, 2:30 बजे चेकिंग होगा, ठीक, 3 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा जो कि 4:30 बजे तक चलेगा। और PWD जो कैंडिडेट है यानी कि विकलांगता, उनको 30 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट 15 तारीख, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट किनका किनका है, जूनियर अस्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए फर्स्ट शिफ्ट है और जूनियर अस्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सेकंड शिफ्ट है, ठीक। 15 तारीख को, 16 तारीख को देखिए यहाँ पे, 16 तारीख, 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में केवल एक ही है और बाद बाकी सब स्टाफ एंड जो है आपका वेलफेयर, ठीक ना, इंस्पेक्टर, इनके फर्स्ट शिफ्ट में कर दिया गया है। और सेकेंड शिफ्ट में आपका क्या होगा, ये सेकेंड शिफ्ट में आप आ जाते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट, ठीक ना, हेड कुक एंड कुक, फोटोग्राफर और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है इंग्लिश मीडियम, मेल और फीमेल दोनों के लिए, इनको सेकंड शिफ्ट में होगा एग्जाम 16 तारीख को। 17 तारीख को किनका एग्जाम होगा, देखिए 17 तारीख को जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ठीक, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, उनका दोनों को फर्स्ट सिक्स मतलब फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा इन दोनों का, ठीक। और सेकंड शिफ्ट में 17 तारीख को किनका एग्जाम है, तो 17 तारीख सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहले होगा LAB यानी कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए, ठीक, और केमिस्ट एंड जो है आपका इनके होगा। और फिर 7 नंबर पे आ जाता है आपका जो फिंगर प्रिंट होते हैं एग्जामिनर, ठीक ना, उनका हो जाएगा सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद आपका हो जाएगा सीनियर जो यहाँ पे हैं, ठीक, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और यहाँ पे इंस्पेक्टर, उसके बाद ये इनका भी हो जाएगा, ठीक, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे म्यूजिक का हो जाएगा और डांस दोनों का सेकंड शिफ्ट में ही होगा 17 तारीख। और 18 तारीख को केवल फर्स्ट शिफ्ट होगा, केवल एक ही शिफ्ट बच जाएगा, ठीक, और किनका होगा, ये 13 से 24 ऑल कैटेगरी ऑफ PGT और TGT, ठीक, इनका हो जाएगा 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ पे एक आपको ध्यान देने की वाली बात है कि COVID-19 से सुरक्षा बचने वाले सारे आपको मास्क पहन लेने हैं, ठीक ना, पूरा के लगे कि SPS जैसा मुंह कान सारा कुछ ढक के जाइएगा, ठीक, ताकि आप दूसरे के कुछ ना ले सकें और ना आपका कोई दूसरा आपके संपर्क में आ सके, ठीक। आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए अच्छे से और नौकरी लेके आ जाइए। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वे भी परेशान है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आ गया है, शाम को 5 बजे से डाउनलोड होना
शुरू हो जाएगा। ठीक, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब रिजल्ट के वेबसाइट से या फिर ऑफिशियल रेलवे के वेबसाइट से। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जरूरी नोटिफिकेशन मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए।